Ram Navami is observed as birth anniversary of Lord Rama. Ram Navami Lord Rama ki birth anniversary ke taur par manayi jati hai. Aur it is celebrated on the 9th day of Chaitra month, the first month of Hindu lunar calendar. Hindu lunar calendar ka jo pehla mahina usse Chaitra month kehte hain ya Chait ka mahina kehte hain. Aur Ram Navami iske 9ve din on the 9th day of Chaitra month manayi jati hai. इट कोइंसाइड्स विद द ग्रिगोरियन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एवरी ईयर. और ये जो दिन है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब जो मॉडर्न हमारा इंग्लिश कैलेंडर है जो वर्ल्ड ओवर चलता है जनवरी फरवरी वाला, ये उस महीने उस कैलेंडर के हिसाब से जो मार्च अप्रैल में हर साल फॉल करती है. ऑन दिस डे डिवोटीज रिसाइट वर्सेज फ्रॉम होली स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण. इस दिन लोग जो हैं ये रामायण जो एक होली स्क्रिप्चर है हिंदूज की, तो उसमें से जो श्लोक्स वगैरह है वो रिसाइट करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं. दे विजिट टेम्पल्स विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड वेयर द आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा आर बाथड एंड क्लोज. तो लोग अपने परिवारों के साथ दो मित्रों के साथ टेम्पल्स में विजिट करते हैं और वहाँ पर जो लॉर्ड रामा के आइडल्स है मूर्तियाँ होती हैं उनको नहलाया जाता है, उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं. तो द सेरेमनी इज़ फॉलोड बाई रिसाइटिंग राम कथा एंड सिंगिंग भजन. इस सेरेमनी के बाद राम कथा की जाती है, लॉर्ड राम की प्रेज में भजन गाए जाते हैं. सम डिवोटीज ऑब्जर्व फास्ट ऑन दिस डे. कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं. इन टेम्पल्स प्रीस्ट परफॉर्म द सेरेमोनियल वेडिंग ऑफ लॉर्ड रामा एंड गॉडेस सीता. कुछ जगह पर लॉर्ड रामा और सीता की मैरिज भी परफॉर्म की जाती है, टेम्पल्स में प्रीस्ट परफॉर्म करते हैं. सम कंडक्ट द रामनवमी प्रोसेशन. कई जगह पे इस पर एक प्रोसेशन या नगर कीर्तन जिसको बोलते हैं वो भी निकाले जाते हैं रामनवमी के दिन. तो सम डिवोटीज ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट फास्ट एंड रिफ्रेन देमसेल्व फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वाटर. कुछ लोग जो है ना जो डिवोटीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट रखते हैं और वो सारा दिन कुछ भी फूड या वाटर वगैरह नहीं लेते हैं. वेयर एज सम डिवोटीज ऑब्जर्व अ माइल्डर फॉर्म ऑफ फास्ट, एक लाइट किस्म का फास्ट रखते हैं एंड दे कंज्यूम वाटर एंड फ्रूट्स, और लेकिन वो जो सीरियल्स वगैरह अनाज वगैरह वो नहीं लेते हैं.